बिहार सरकार ये दावा करती है कि बिहार में सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है और पिछले 15 सालों में शिक्षा व्यवस्था बिहार में काफी हद तक ठीक किया गया है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। ऐसा ही नजारा कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड क्षेत्र के धड़हर पंचायत का है, जहां 8वीं क्लास तक ही बच्चों की पढ़ाई पंचायत में बने विद्यालय में है। वहीं आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को 15 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ना पड़ता है या फिर जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के बाद यूपी के चंदौली जिला के राजकुमार इंटर कॉलेज भुजना में जाकर पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। हैरानी की बात यह है कि इस विद्यालय में दुर्गावती पंचायत के 40% बच्चे पढ़ते हैं। वहीं कुछ बच्चों का कहना है कि चुनाव आने के बाद नेता गांव में तो आते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई देखने तक नहीं आता। चुनाव आता है तो नेता लोग आते हैं, आते हैं कोई साझा करके चले जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जीतने के बाद कुछ नहीं करते हैं। वोट रहेगा तो पूल सब बनवाए आएंगे और चले जाएंगे कहकर, और पुल इसमें नहीं बनेगा सुविधा है नहीं तो हम क्या करें। मतलब चुनाव आता है तो लोग आते हैं? हाँ, चुनाव आता है तो सब आते हैं और गोर धरते हैं और कहते हैं कि पुल बन जाएगा, पुल बन जाएगा और सुविधा नहीं आता है। विधायक कभी आए हैं यहाँ पे? नहीं नहीं आए विधायक, विधायक नहीं आए हैं। एक रिक्शा लेके जाते हैं अपना जो सपना पूरा करने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? ये जाते हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी में। अच्छा, किस जिले में जाते हैं? यूपी में जाते हैं, मतलब चंदौली जिला पड़ता है। और ये यहाँ पे स्कूल ही है क्या बिहार में? स्कूल नहीं है यहाँ, बहुत मिलेगा प्राइमरी से लेकर माध्यमिक शिक्षा बस प्राप्त की जाती है। कौन सा जिला है ये? पड़ेगा आपका कैमूर जिला। हादसा होता रहता है, हादसा होता रहता है, होता नहीं है होता रहता है। कितने बच्चे लग जाते हैं पढ़ने के लिए यहाँ से? 400-500 जाते हैं बच्चे। नाय से जो धौड़ पंचायत में विद्यालय नहीं है? है पर वो बहुत कम है और वहाँ पे अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है। कितने तक का स्कूल होगा यहाँ पे? पाँच तक है? 8 तक है। अच्छा, अगर विद्यालय बन जाएगा आपके यहाँ तो कैसा सुविधा, कैसा? बहुत अच्छा होगा और हमारा विकास होगा हमारे स्कूल का। गांव कैमूर जिला ढहर पंचायत ढहर है। हम लोग यूपी में पढ़ने जाते हैं, जो हम नाय से जाते हैं। नाय कब पलट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिहार में सुविधा नहीं है इसलिए हम लोग यूपी से नैया से जाते हैं पढ़ने। यूपी में कहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए? भुजना। भुजना जाते हैं? तो कैसे जाते हैं आप लोग? नाव से। नाव जाते हैं? हाँ, प्रतिदिन। हाँ, रोज। किस जिले से आप हैं? जी, हम भगवान जिले से हैं। आप कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? भुजना। कहाँ पड़ता है? राजकुमार इंटर कॉलेज भुजना चंदौली उत्तर प्रदेश पड़ता है। आपके क्षेत्र में स्कूल नहीं है? नहीं है। आप जाते हैं नाय पर बैठ करके? यस। तो आपको डर लगता है कि? क्यों डर तो लगता है, कई बार नाय प्लट भी गई है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला आज तक। सरकार से कई बार इस मुद्दे पर आवाज उठाई गई है, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई विचार नहीं की है। 7 गाँव के बच्चे इस रास्ते से जाते हैं यूपी के लिए पढ़ने। कितने गाँव का? 7 गाँव। आने जाने से नाय से असुविधा है, बच्चे कभी कभी नाय डूब भी जाती है, दिक्कत होता है, कितने बच्चे उसमें चोट ला जाती है, कितने बच्चे मर भी जाते हैं। अगर स्कूल ढड़ारा पंचायत में अथवा 8 तक है मिडिल तक, और अगर वहीं जो है कि हाई स्कूल अगर इंटर हो जाए तो सारे बच्चे जो 200-500 जाते हैं उत्तर प्रदेश में पढ़ने, वो जो है कि कम से कम तो यहाँ नाय से नहीं जाना होगा। अगर नाय से भी जाना है ठीक है, यहाँ पुल भी बन जाए तो अच्छा है, सबको लिए अच्छा होगा, केवल बच्चों के लिए नहीं अच्छा होगा, सारे लोग के लिए अच्छा होगा। चंदौली जिले के राजकुमार इंटर कॉलेज के उप प्रधान अध्यापक ने क्या कहा वो भी सुनिए। देखिए, हमारे यहाँ जो है विद्यालय में लगभग 35-40% बच्चे बिहार राज्य से आते हैं, और सीओ करनासा या आपका बगल में ढड़हर है, कानपुर है, बिलखुरी है, यहाँ तक कि चंदोस तक के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। और चूँकि बीच में करुणासा नदी पड़ जाती है, हमारे जस्ट विद्यालय के पीछे है, और उन लोगों के लिए हमारा विद्यालय सबसे नज़दीक पड़ता है, तो विद्यालय के शिक्षण की सुविधा तो उन लोगों के पास है, लेकिन आने जाने के लिए वही करुणासा नदी थोड़ा दिक्कत उत्पन्न करती है। बरसात के दिनों में ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चे समय से नहीं आ पाते विद्यालय, और नाव का ही सहारा है। नाव जो है पलटने का डर रहता है, कभी कभी हम लोगों को बीच में विद्यालय का दिन के लिए बंद भी करना पड़ जाता है बिहार के बच्चों के हित के लिए, क्योंकि कई हादसे भी हो गए हैं विगत वर्षों में। वहीं जब कैमूर जिले के शिक्षा पदाधिकारी से दुर्गावती प्रखंड के बारे में पूछा गया तो सवाल का जवाब देने से बचते दिखे। देखिए, धरहर पंचायत में बहुत सारे गांव हैं, लेकिन हर पंचायत में एक हाई स्कूल हो
इसके तहत उस पंचायत में कुदारी गांव में हाई स्कूल बनाया गया है, प्लस टू भी किया गया है। लेकिन कुदारी वो जीटी रोड और करनासा नदी के आसपास है, इसलिए उसके बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। उस बीच में 4 किलोमीटर की दूरी है जैसा कि बताया गया है। और धरहर गांव के बच्चे या धरहर गांव जो बसा हुआ वो ठीक नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर बसा हुआ है, इसलिए वहाँ के बच्चे वहाँ नौबतपुर में पढ़ने के लिए जाते होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल बनाया गया है कि उस पंचायत के बच्चे उस हाई स्कूल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ दूरी की वजह से ही है कि वो बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए वो वहाँ चले जाते हैं। सर, बच्चे नाव से जाते हैं, मान लीजिए ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है, उसके लिए शिक्षा विभाग क्या पहल कर? ये तो नदी है तो नाव से जाना ही पड़ेगा, लेकिन अब सरकार की तरफ से जैसा कि पिछली बैठकों में बात हुई है कि प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल तो हम लोगों ने खोल दिया, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो उन पंचायतों में हम दूसरे हाई स्कूल भी खोलेंगे, इसलिए दूसरे फेज के इंतजार में हैं हम लोग भी। और ऐसे बहुत सारी पंचायतें हैं जहाँ हाई स्कूल बनाया गया है लेकिन उस पंचायत के सभी बच्चे हाई स्कूल में नहीं पहुँच पाते हैं, तो ऐसे में शिक्षा बाधित भी होता है, बच्चों का समय बाधित होता है। हम लोगों ने सरकार को इस पर रिपोर्ट भी किया है कि जेवरी पंचायत में छाता में भी स्कूल की जरूरत होगी हाई स्कूल की, और करारी में भी जरूरत पड़ेगी। बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये दावा है कि बिहार में हर जिलों के प्रखंडों में शिक्षा का अलग जलाकर रहेंगे, लेकिन फिलहाल उनका दावा सिर्फ कागज पर ही दिखाई दे रहा है। एबीपी बिहार के लिए कैमूर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।